नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। चुनाव का परिणाम आने में कुछ ही घंटों की दूरी है। 4 जून को चुनाव के परिणाम जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। तो इस बीच के कुछ घंटों में दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं सबकी, और एग्जिट पोल मुझे लगता है हम सब ने सारे ही देख चुके हैं। हर चैनल पे एग्जिट पोल चल रहे हैं और उन सबको आपको देख के कुछ न कुछ अंदाजा जरूर लग गया होगा कि किसकी सरकार आ रही है। तो चलिए, एक एग्जिट पोल मैं भी अपनी तरफ से भेज देती हूँ जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है। उसके हिसाब से जो है वो मोदी सरकार जो है रिपीट होने वाली है, और इंडिया इंडी गठबंधन जो है उसकी सीटें जो है ऑलमोस्ट, अगर हम नंबर में काउंट करें तो विपक्ष यानी कि इंडी गठबंधन के पास ऑलमोस्ट लाइक 100 के अराउंड में सारी टोटल सीट्स में वो सिमट जाएंगे। कुछ सीटें अन्य को मिलेंगी जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, शायद हो सकता है 20 से 30 सीटें उनके पास चली जाएं। और सबसे अधिक जिनके पास बम्पर सीटें आने वाली हैं वो है एनडीए, तो जिसमें भाजपा जो है वो सबसे बड़ा दल रहेगा। अकेले अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को 320 से 340 के बीच में, 320 से 340 के बीच में सीटें आने का अनुमान है, और एनडीए को पूरी रूप से जो है पूरा कह सकते हैं कि 400 पार हो जाएगी, बिल्कुल लग रहा है। एक दो सीट हो सकता है पीछे रह जाए, पर जहां तक एग्जिट पोल देखे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि 400 पार ये हो जाएंगे, क्योंकि बाद में जो कुछ एक नेता जैसे निर्दलीय हैं या कोई और है, अगर वो जुड़ जाते हैं तो इनका नंबर बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से मेरा अनुमान तो यही है कि मोदी सरकार रिपीट हो रही है। इंडी गठबंधन जो है उसकी सीटें बहुत अधिक नहीं आएगी, वो विपक्ष के तौर पे अपना कर्तव्य निभाएंगे। और साथ ही साथ जो है अगर हम सिर्फ कांग्रेस की बात कर लें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई चमत्कार इस बार कर पाएंगी। अब नंबर तो यही बता रहे हैं, बाकी कुछ घंटों की देर और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो इंतजार करते हैं। और एग्जिट पोल भी देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि 100% हम ब्लाइंडली इनको फॉलो करें, पर हाँ सबको अपने अंदाजे लगाने का अधिकार है। आप भी लगाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके हिसाब से बीजेपी की अकेले कितनी सीट्स रहेंगी, एनडीए की कितनी रहेंगी, इंडी गठबंधन की कितनी, और अकेले कांग्रेस की कितनी रहेंगी। और साथ ही साथ अन्य जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, कई पीछे गठबंधन की सरकारों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनकी कितनी सीटें आने की संभावना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।